हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि गोवा में अगर घूमने के लिए हम आते हैं तो जनरली हमारे माइंड में क्वेश्चन ये होते हैं कि हम वहाँ लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो करेंगे कैसे, मतलब लोकल गोवा में घूमेंगे कैसे, यहाँ मतलब बस से घूमेंगे या लोकल ऑटो से घूमेंगे या किससे घूमेंगे। तो जनरली दोस्तों, अगर गोवा हम जाते हैं तो गोवा में सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप यहाँ की जो लोकल्स एक्टिवा होती हैं उन्हें रेंट कर लें। और दोस्तों, लोकल एक्टिवा रेंट के लिए यहाँ पर क्या प्राइस है, और यहाँ मतलब आप फैमिली के साथ अगर आते हो, आपकी बड़ी फैमिली है, या आप कार बुक करना चाहते हो तो उसके क्या प्राइजेस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम अगर गोवा प्लान करते हैं तो जनरली हम अगर साउथ गोवा या नॉर्थ गोवा, कोई भी गोवा हो, अगर हम जर्नी प्लान करते हैं तो जनरली यहाँ पर आपको इजीली, मतलब जैसे ही आप स्टेशन से आ रहे हो या एयरपोर्ट से आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, आपको इजीली बहुत सारी ऐसे जगह मिल जाएगी जहाँ आपको एक्टिवा या कार आपको रेंटल मिल जाएंगी। जनरली दोस्तों, मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, हालाँकि ये मैंने ली है टू व्हीलर स्कूटी रेंट पे ली है एक्टिवा, इसका कुछ प्राइस मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मुझे कितने में पड़ी थी। तो दोस्तों, मुझे ये पड़ी थी 350 में और मैंने 4 डेज़ के लिए ली थी। जनरली उन्होंने मुझे पहले 450 कहा था, बिकॉज जनरली क्या होता है कि अगर आप ऑफ सीजन आते हो तो आपको इजीली 300 टू 250 200 तक में भी मिल सकता है अगर आप ऑफ सीजन आते हो तो। बट आप अगर मतलब पीक सीजन में आते हो, जैसे कि आप अगर आते हो, यूँ मान लो कि आप आ रहे हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में और जनवरी फरवरी में, तो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहूँगा कि आप जब कभी भी अगर गोवा ट्रैवल करने आ रहे हो तो अगर दिसंबर के टाइम पे आते हो, न्यू ईयर के टाइम पे, तो दोस्तों उस दिन तो एक एक दिन की, मुझे मतलब जिनसे मैंने ये गाड़ी रेंट पे ली है वो मुझे बता रहे थे कि दिसंबर के दिन पे और न्यू ईयर के दिन, इन दिनों मतलब यूँ समझ लो 15 दिसंबर से 10 जनवरी तक के आसपास में आपको एक दिन का इसका एक्टिवा का रेंट 1000-1500 एक्टिवा का खाली रेंट इतना होता है टू व्हीलर्स का सिर्फ। तो सोचिए 4 व्हीलर्स का कितना होता होगा। तो उस हिसाब से मतलब आप रेंट पे ले सकते हो। जनरली हम चलो मानते हैं कि अगर आप आते हो बेसिक, अगर आप आ रहे हो कि ऑफ सीजन आ रहे हो या मतलब अक्टूबर या नवंबर के आसपास पे आ रहे हो, तो भी आपको 350 के आसपास आराम से आपको अच्छी से अच्छी कंडीशन पे टू व्हीलर मिल जाएगी, जैसा कि मैंने ली है। मैं आपको एक बार मेरी एक्टिवा जो मैंने रेंट पे ली है उसका लुक ओवरऑल आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप की कंडीशन वाली गाड़ियाँ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। दोस्तों, ये है मेरी एक्टिवा जो मैंने रेंट पे ली है, हालांकि आपको देख के एकदम बहुत ही अच्छी लग रही होगी। और ये है मेरे कैमरे का ढक्कन है और ये बैग है। और दोस्तों, इस तरह से ओवरऑल इसका लुक है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो दोस्तों, इस तरह से ये एक्टिवा मतलब ओवरऑल आपने जैसा देखा, इस तरह की कंडीशन वाली एक्टिवा भी आपको अच्छे से अच्छे रेट में मिल जाएगी। जनरली मुझे ये 350 में पड़ी है। आप और बार्गेनिंग करके, या आप अगर ज़्यादा दिन के लिए लोगे तो वो आपका आराम से रेट कम कर देंगे, और अगर आप एक दिन के लिए लोगे तो आपको रेट कम नहीं करेंगे। और दोस्तों, अगर बात करें कि गोवा आने का सीज़न, जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये गोवा का सीज़न रहता है, इन दिनों आपको हार्डली ही आपको यानी 300 से नीचे तो मिलना मुश्किल है, बिकॉज़ 350 से रेट सिर्फ स्टार्ट होता है और 300 से सीज़न के दिन में, और वो फिर कम नहीं करते। अब बात करते हैं कि दोस्तों, हमें क्या बात ध्यान में रखनी है। दोस्तों, अगर जब कभी भी आप रेंट पर एक्टिवा इस तरह से लेते हैं तो मेक श्योर कि आप पहले ना खुद भी फ़ोटो और वीडियोस बना लें कहीं भी, यानी स्क्रैच है नहीं है, या अगर हो कोई बड़ा स्क्रैच वगैरह या डेंट वगैरह, तो आप उनको उसी टाइम बता दें कि देखो ये इस तरह से है, मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया है, ताकि आप जब उनको गाड़ी रिटर्न दें, ताकि तब वो ऐसा ना कह पाएँ कि आपने किया है या जो कुछ भी हो। तो फॉर अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आप पहले से ही एक फुटेज वीडियोज़ बना लें, फ़ोटोज़ बना लें छोटी सी अपने मोबाइल से कैमरा से, एंड देन ये आपके लिए सेफ़ रहेगा, सेफर साइड के लिए। जैसे कि आप 4-5 दिन के लिए लेते हो कुछ कैसे भी, तो इस तरह से आप एक वीडियो बना लें अपनी सेफ्टी के लिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं 4 व्हीलर्स की बुकिंग के लिए। तो दोस्तों, 4 व्हीलर्स का भी ऑफ सीजन अगर लेते हो तो आपको आराम से 1200 से 1500 के बीच में अच्छी से अच्छी 4 व्हीलर्स मिल जाती हैं। और अगर बात करें सीजन्स की, तो मेरे सामने ही एक थे, वो ले रहे थे। अगर आपकी मतलब फैमिली बड़ी है तो आप ले सकते हो, अगर फैमिली छोटी है तो आप इस तरह से अगर लोकल एक्टिवा में ट्रैवल करोगे तो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही अच्छा, मतलब आपको लोकल गोवा की जो वाइब्स हैं वो पूरी तरह से मिलेंगी। और दोस्तों, मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए मैंने इसलिए सोचा, बिकॉज़ आप देख पा रहे होगे कितना बेस्ट लोकेशन है और बहुत ही शांत है, तो मैंने सोचा इतना शांत जगह है तो जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा प्रॉपरली आपको सुनाई देगा और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ वीडियो बनाया जाए। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैं एक रोड में खड़ा हूँ और पीछे का वेदर भी आप देख पा रहे हो बहुत ही बेस्ट हो रहा है।
और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांत है और बारिश भी तेज़ आने वाली है, तो मुझे अब निकलना होगा। हालांकि मैं साउथ गोवा में हूँ दोस्तों, और जैसा कि आप सब जानते हो कि साउथ गोवा बहुत ही पीसफुल के लिए, मतलब शांत पीस के लिए माना जाता है, एकदम शांत रहता है और कम क्राउडेड रहता है। तो आप देख पा रहे हो साउथ गोवा है एक्चुअली, यहाँ पर कितना पीस है और कितना शांति है। तो दोस्तों और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अबाउट वाइल्ड यू बुकिंग टू व्हीलर और फोर व्हीलर। तो अगर दोस्तों डॉक्यूमेंटेशंस की बात करते हैं कि वो पेपर्स, मतलब यानी कि अपने क्या कौन सी आईडी पे हमको देते हैं, तो जनरली दोस्तों वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका कंपलसरी होना चाहिए और आधार कार्ड भी वो लोग लेते हैं देखने के लिए। जनरली कभी कभी वो लोग आधार कार्ड रखते हैं एज अ, जब आप हमको गाड़ी रिटर्न करोगे तो आपका आधार कार्ड रिटर्न कर देंगे, और कहीं कहीं आप ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं और जब गाड़ी रिटर्न करोगे तो वो ड्राइविंग लाइसेंस आपको रिटर्न दे देंगे। और जनरली दोस्तों ये पर डे का जो प्राइस मैंने बताया आपको 400-500, ये सीज़न पे इतना रेट आपको मिलेगा पर डे एक्टिवा का। जनरली मेरी एक्टिवा का, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मेरी एक्टिवा का 350 है, और उसी के साथ साथ आपको 500 रुपीज़ डिपॉजिट भी लेंगे। अलग अलग दुकानों पर या अलग अलग वेंडर से आप बात करोगे तो उनका अलग अलग, हर किसी वेंडर का अलग अलग होता है, कोई 500 डिपॉजिट ले रहा है तो कोई 400, कोई 600। सो ये वेरिएबल अलग अलग वेंडर पे डिपेंड होता है, पर जनरली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि टू व्हीलर रेंट पे लेके, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। इससे क्या, आपको जो भी लोकल छोटी छोटी जगह घूमनी हो या यू नो आपको लोकल जैसी वाइब्स आएंगे, ऐसा लगेगा आप यहाँ ही रह रहे हो, यहाँ ही घूम रहे हो खुद की एक्टिवा से, तो ये काफ़ी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और फोर व्हीलर्स की बात करें बुकिंग के लिए, तो दोस्तों फोर व्हीलर की बुकिंग के लिए वो आपको, जब आपको गाड़ी देंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लें कि आप वेंडर्स ने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या नहीं, इंश्योरेंस, PUC और जो भी फोर व्हीलर्स या टू व्हीलर्स की जो भी कागज़ होते हैं वो आपको कंपलसरी लेना ही है। क्योंकि यहाँ गोवा में कभी कभी ट्रैफिक पुलिस रुका कर एक बार चेक करती है कभी कभी। और दूसरी बात ये दोस्तों, वाइल मतलब हालांकि जनरली तो ऐसा देंगे ही, अगर आप टू व्हीलर बुक करोगे तो मेक श्योर कि वो आपको हेलमेट देंगे ही फॉर श्योर, बट एक बार कन्फर्म कर लें कि आपको हेलमेट दिया जा रहा है या नहीं। और हाँ, जब भी गोवा में ट्रैवल करें तो मेक श्योर हेलमेट लगा कर, और अगर कार में कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगा कर ही ट्रैवल करें। क्योंकि यहाँ हमारी जो येलो प्लेट, मतलब अपने ट्रैवल करेंगे तो येलो प्लेट होगी हमारी, तो उस हिसाब से क्या है कि अगर आप बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट के ट्रैवल करोगे तो जो ट्रैफिक पुलिस है वो तुरंत पहले रोकेगी कि टूरिस्ट होके, मतलब आप इस तरह से मतलब रूल्स का पालन नहीं कर रहे हो, तो वो आपको इशू क्रिएट करेगा। और आप अगर घूमने के लिए आ रहे हो तो आप भी इस तरह से मतलब सारे रूल्स फॉलो करते करते ही इंजॉय कीजिए, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बेस्ट ट्रिप जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से मतलब ईजी है, आप जैसे भी या एयरपोर्ट से आते हो या रेलवे स्टेशन से, कहीं से भी आओगे आपको ईजीली गाड़ियाँ हर जगह मिल जाएगी। किसी भी वेंडर से लीजिए, जनरली सबके रेट्स 350-400 इतना चलता है अक्टूबर टाइम में। अब जैसे जैसे ये दिसंबर करीब आएगा ये लोग बढ़ाते चले जाएंगे रेट, बिकॉज डिमांड बढ़ती है और टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई भी उस तरह से है, वो लोग रेट बढ़ाकर ही करते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल दोस्तों ये है डिटेल, और मेरे सिनारियो में, मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे जो वेंडर थे उन्होंने मेरा आधार कार्ड रखा था, जब गाड़ी हम रिटर्न देंगे तो वो हमको आधार कार्ड रिटर्न देंगे, और उसके साथ साथ जो मेरे 500 रुपये डिपॉजिट थे वो भी रिटर्न कर देंगे। और पर डे मुझे पड़ी है 350 में। हालांकि गाड़ी कभी कभी बाहर से अच्छी दिखती है, बट मेक श्योर उनसे पूछ लीजिएगा कि ये एवरेज कितनी देगी, फॉर श्योर देगी या नहीं देगी, इस तरह से आप डिस्कस कर लें, बिकॉज मेरी 30 या 32 के आसपास की एवरेज दे पा रही है। एनीवेज ये थी पूरी डिटेल। और रही बात कार बुकिंग के लिए, तो आप इजीली आप कार भी बुकिंग कर सकते हो, जो भी वेंडर के पास आप जाओगे टू व्हीलर्स के लिए उनके पास जनरली कार भी अवेलेबल होती हैं, और आप कार भी बुकिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल डिटेल कि कैसे बुक करें। बुकिंग करने के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, बाकी कोई आईडी नहीं भी होगी तो भी आपको गाड़ी मिल जाएगी फॉर श्योर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने सारी की सारी डिटेल दी होगी, और जो जो मैंने एक्सपीरियंस किया गाड़ी बुक करते टाइम, गाड़ी लेते टाइम, वो सारा आपसे शेयर किया, और आपको भी हेल्प होगी इस तरह से मतलब बुकिंग करते टाइम जब भी आप कभी आओगे। और दोस्तों इसी के साथ ये ब्लॉग होता है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत हेल्प हुई होगी, आपको बहुत हेल्प हुई होगी इस वीडियो को देखकर। सो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।